ओ बल्ले बल्ले जी, चाट का जमाना आ गया। ओ जी आ गए तुसी जी, आया नु जी, स्वागत है तोड़ा तोड़े अपने शो च जिसका नाम है टर्बन तड़का, और मैं हूँ आपका प्यारा होस्ट हरपाल सिंह सोखी। लेके आया हूँ मजेदार चाट की रेसिपी ऑन कीस इन पोटैटो कप्स। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो आलू है देखिए पार बॉयल करके इनको स्किन के साथ रखा मैंने और बीच में से स्कूप कर लिया, लेकिन कुछ और काम करेंगे। ये देखिए ये पीछे से इस तरह से काट लेंगे ताकि ये बढ़िया तरीके से रेस्ट करें। ये अब क्या करना है, यहाँ पे ये मेरे पास है तेल, बढ़िया विमल तेल, सनफ्लावर ऑयल वो यूज कर रहा हूं मैं। ये लीजिए ये जो तेल है इसमें बड़े सारे गुण हैं, मैं आपको बता दूं भाई, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ट्रांस फैट फ्री, विटामिन ई है इसमें। वो जी जब इतने सारे गुण हो तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। और मैं यहाँ पे डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। दूसरे एक पैन में मैं इसकी फिलिंग बनाऊंगा, और वो भी किसकी मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें ली है और बड़ा मजेदार है। ये कॉर्न जिसको कि प्यूरी किया गया, मतलब दरदरा पीसा है मैंने, वो लिया है, और वो भी कैसे किया है, फ्रोजन कॉर्न ले लिया मैंने जो आसानी से मिलता है मार्केट में, रिफ्रेश किया, नचोड़ा और इस तरह दरदरा पीस लिया। तो इसको मैं हल्का सा टेम्पर करूंगा। अब ये जो आलू है और कॉर्न है और इसके साथ जो और सारी चीजें हैं उनको मैं टेम्पर करूंगा, मतलब सौते करूंगा, और इसमें यही बढ़िया तेल विमल का जो कई सारे गुण है इसमें, उससे एक चम्मच निकाल के ये लीजिए इसमें डाल लेते हैं फीलिंग के साथ। आहा, जीरा डाल लेते हैं बिल्कुल हाथों से, एक छोटा चम्मच जीरा, ये लीजिए ये डाल लिया, और साथ ही साथ इसमें दो से तीन हरी मिर्चें कटी हुई वो भी यहां डाल ली। ये लीजिए जीरा, मिर्चें, अब यहां पे आलू है, कॉर्न है, ये सारी चीजें मैं डाल लेता हूं। ये लीजिए कॉर्न जिसको हमने पीसा था वो, साथ ही साथ ये जो आलू स्कूप करके निकाला था ये, और ये सारी चीजें खा लेते हैं। ये क्या बात, मैं आपको बताऊं कि इंदौर में जो कॉर्न चीज मिलता है उसमें आलू वगैरह नहीं डलता, लेकिन मैं वहीं से इंस्पायर हुआ हूं। ये लीजिए अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। ये हाँ, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया, कूटी हुई काली मिर्च ये लीजिए आधा छोटा चम्मच, हरी मिर्चें भी डाली, कूटी हुई काली मिर्च ये लीजिए ये डाल लिया दोनों चीजें, और आ हा हा बिल्कुल बढ़िया तरीके से भूनना है इसे। अब फाइनली ओ जी समय आ गया है एनर्जी डालने का, तो आइए मेरे साथ मिलके गाते हैं, एनर्जी डाल लेते हैं जी। ये लीजिए नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक, और यहां नमक डल गया है, फिर से एक बार भून लेता हूं, और इसमें फाइनली थोड़ी सी और चीजें, ये लीजिए थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, अगर बढ़िया क्रीम हो वो डाल लें, ये लीजिए दो चम्मच फ्रेश क्रीम। यदि आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन क्रीम डालने पे ये जो क्रीमीनेस है इसकी बढ़िया इंप्रूव हो जाता है, मजा आता है। अब मैं इसे निकाल लेता हूं, और ये लीजिए बोल में निकाल लिया, ये सब बिल्कुल पैन साफ, और बहुत बढ़िया सी एक फिलिंग बना ली हमने। अब ये आलू को फ्राई कर लेते हैं बिल्कुल ध्यान से, ये परफोरेटेड स्पून में छारे में यानी कि डाल दिया, और आलू यानी कि फ्राई होना शुरू हो गया, हमें भी ऐसे ही कुछ करना है, तो इनको फ्राई होने देते हैं। तब तक मैं एक तैयारी कर लेता हूँ, इनको निकालेंगे टिश्यू पेपर में, ये बोल में मैं निकाल लूंगा, और ये लीजिए टिश्यू पेपर इस बोल में रख दिया। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार आलू, ऐसी कुछ चीजें खाएंगे
वो जी मजा लें, फिर अगले दिन कसरत भी कर लें थोड़ी सी, इनको अब जब आलू गर्मा गर्म हो तभी इसमें ये चाट मसाला, ये देखिए ये ढेर सारा चाट मसाला डाल दिया और मैं फटाफट इसी पे मिला लूंगा। ये लीजिए, क्या बात है, मजा आ जाएगा आपको। अब असेंबल कर लेते हैं, असेंबली के लिए सारी चीजें तैयार, मेरे पास दोने भी हैं, कॉर्न आलू, ये लीजिए एक आलू रख लिया। अब इसमें ये जो कॉर्न और आलू का मिक्सचर हमने बनाया था, ये देखिए ये स्टफ कर लिया, क्या बात है, बढ़िया तरीके से स्टफ कर लें। ओहो हो हो, मजा आ गया जी। ये लीजिए, अब इसमें कॉर्न जैसी कुछ चीज दिखने वाली, वो भी डाल लेता हूं ऊपर से। ये देखिए बूंदी, वाह, अनार, मजादार, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ हरी चटनी, क्या बात है, क्या बात है। वो थोड़ी सी बूंदी और पड़ जाए इस पे, और आप चाहें तो किसी तरह से एक धनिया का पत्ता या पासली का पत्ता लगा के इंडिविजुअल दोनों में सर्व करें, वो जी मजा ना आए आपको तो मुझे याद करें। लेकिन उसके पहले आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और देखें एक रिकैप, आप कहां जा रहे हैं, आप भी नोट करें इंग्रेडिएंट्स और देखें रिकैप। ऐसी मजेदार रेसिपी आपके लिए बनाई है, तो आप घर बैठे नोट करके देख के बनाएं ऐसे ही जैसे मैंने बनाई है। आलू कॉर्न कप्स, सामग्री 5 आलू पारबॉइल्ड, 1 कप फ्रोजन कॉर्न कर्नल्स दरदरे पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच विमल ऑयल अधिक तलने के लिए, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 छोटे चम्मच खारी बूंदी, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 छोटे चम्मच ताजे अनार के दाने, 2 छोटे चम्मच हरी चटनी, हरा धनिया सजाने के लिए। इसे बनाने के लिए आलू को आधे में काट कर बीच से स्कूप कर लीजिए। एक नॉनस्टिक पैन में 1 बड़ा चम्मच विमल ऑयल गरम कर लीजिए। अब इसमें जीरा और हरी मिर्चें डालकर 1/2 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें कॉर्न, स्कूप किया हुआ आलू डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब हल्दी पाउडर, कुटी काली मिर्च डालकर मिला लीजिए, नमक डालकर मिला लीजिए, फ्रेश क्रीम डालकर मिला लीजिए। इस मिश्रण को बाउल में निकाल लीजिए। एक कढ़ाई में विमल ऑयल गरम कर लीजिए। अब इसमें आलू डालकर सुनहरे होने तक तल लीजिए। टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। चाट मसाला छिड़क कर हल्का टॉस कर लीजिए। एक दोन में आलू रख दीजिए। अब इसमें कॉर्न का मिश्रण भर लीजिए। बूंदी, अनार के दाने, हरी चटनी और हरे धनिये से सजा कर सर्व कीजिए।